Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, अब 7th का third part करते हैं. तो ये part जो है मैं already लिखा हुआ है. ये 4x square minus 4a square x plus a to the power 4 minus b to the power 4. तो ये हम start करते हैं यहाँ से C. तो मैंने already जो लिखा हुआ है, मैं इसे अब थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ. This is 4x square. ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ student. This is 4x square minus 4a square x. 4a square x को student मैं क्या लिख देता हूँ? 2 into 2a square x. 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ. Plus a to the power 4 minus b to the power 4 equal to 0. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ student? अभी आपको understand. क्योंकि मुझे factor कराना है. Factor कराने के लिए हमें ये करना होगा. अब स्टूडेंट जो बीच में 2a स्क्वायर आपको गिवन है, 2a स्क्वायर उसको हम क्या करेंगे, दिस ये जो 2a स्क्वायर गिवन है इसको करने के लिए सी ये 2a स्क्वायर मैं अंदर की तरफ ले लेता हूं, बाहर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ये हम ले लेते हैं इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे. उसके बाद स्टूडेंट आप 4x स्क्वायर माइनस 2 अंदर ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है दो अलग अलग टर्म्स में. साथ ही यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस का बी स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लिखा और उसके लिए मुझे माइनस बी स्क्वायर भी लिखना होगा. एंड देन एक्स उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सी, दिस विल बी ये मैं रेज करके लिख देता हूँ, प्लस दिस इज प्लस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0 ये आपका होगा. स्टूडेंट थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं ये पार्ट जो ए थोड़ा हम ठीक से लिख देते हैं दोबारा, प्लस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0. अब आप यहां देखिए 4x स्क्वायर एज इट इज आपका आ गया माइनस के 2 ए स्क्वायर के साथ, एक बार बी स्क्वायर ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार ए स्क्वायर के साथ माइनस बी स्क्वायर ले लीजिए, दिस एक्स अलग हो गया, एंड लास्ट में प्लस का ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0 याद आ जाएगा. स्टूडेंट यहां पर अगर मैं ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और अब आप देखिए ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कहां से इस फॉर्मूले से लिखा है, इस फॉर्मूले से. तो ये आपको मैं रफ के लिए स्टूडेंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ताकि मैं यहां पर अब जो ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को लिखने वाला हूं, उससे पहले स्टूडेंट आप देखिए 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मैं अंदर ये दो पार्ट कर लेता हूं और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, देन यहां पर माइनस का 2 ए टू द पावर 2 माइनस बी टू द पावर 2 एक्स, एंड अब की बार इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया. अब आप यहां से देखिए यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से स्टूडेंट आप जो कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए आप सी 2x कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म से, और 2x कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस यहां से 2 और x चला गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका चला. अब इन दो टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो टर्म से आप स्टूडेंट माइनस का आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आप कॉमन ले सकते हैं, तो वहां क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, दिस इज 2x, 2x बचेगा और यहाँ माइनस का कॉमन लिया है तो प्लस माइनस हो जाएगा, साथ ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आपको बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन जा चुका है. अब आप स्टूडेंट यहां पर सिंपली आप क्या करेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन ले लीजिए ये ब्रैकेट, तो आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x माइनस
a square minus b square is equal to 0. अब आपको दो ब्रैकेट मिल गए यहाँ पे फैक्टर, ये दोनों को आप इक्वल टू जीरो रखेंगे बारी बारी, तो व्हेन 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, एंड व्हेन जब आप सेकंड वाला ब्रैकेट यानी कि व्हेन 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x मिल जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई टू। तो रूट्स आपको जो मिल रहे हैं यहाँ पे वो रूट्स आर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई टू एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू, ये आपके रूट्स हो जाएंगे।